आपको इसे जल्दी कुक करना है तो आप कम से कम आधा घंटा आप इसको ज़रूर मैरिनेट कीजिए। ये देखिए मसाले लगा के पसंदों को मैं मैरिनेट करने के लिए हाफ एन आवर छोड़ रही हूँ। जब तक हमारे पसंदे मैरिनेट हो रहे हैं हम मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या हम इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने 6-7 काजू लिए हैं, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने नारियल पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने खशखाश ली है और ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सफ़ेद भुने हुए चनों का पाउडर लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। Thank you.
आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने इसको सिखाया है बहुत सिंपल और इजी वे में, और आप यकीनन इस बकरीद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे यकीन है आज की इस आसान सी रेसिपी से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे और ऐसे मज़ेदार सी रेसिपी आप भी बनाएंगे और ख़ुद भी खाइए, मेहमानों को खिलाइए, दावतों में बनाइए। मज़ेदार से बीफ पसंदे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर किए, और अगर आपको आज की मज़ेदार सी उम्दा और ज़ायक़ेदार खुशबूदार पसंदों की रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से लोग मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मज़ीद किसी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।